जिस दिन न्यू रैंक सीजन आया था उसी दिन से सभी रैंक पुशर ने रैंक पुशिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आपको तो पता ही है कि रैंक पुशर्स की आईडी 24 आवर्स प्लेइंग ही रहती है, तो फिर ज्ञान राठी और श्याम गेमिंग का स्कोर बाकी रैंक पुशर से इतना ज्यादा कैसे हो गया? जहां बाकी रैंक पुशर्स का स्कोर 12,000 13,000 15,000 के बीच है, ज्ञान राठी और श्याम गेमिंग का स्कोर 25,000 टच कर चुका है। तो ऐसा क्या है जो ये लोग पब्लिक से छुपा रहे हैं? तो इसका आंसर है कि ये लोग डबल रैंक पुशिंग वाला ग्लिच यूज करते हैं, जिससे एक ही टाइम पे एक ही आईडी से दो अलग अलग मैचेस खेले जा सकते हैं, वरना इतने कम टाइम में 25,000 का स्कोर टच करना इम्पॉसिबल है। सो हे गाइस, दिस इज नयन एंड आज की वीडियो में मैं आपको इसी ग्लिच को कैसे यूज करते हैं विद प्रूफ बताने वाला हूँ। एंड क्या इसको यूज करके आईडी बैन होती है? अगर हाँ तो कौन सा ग्लिच यूज करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अपन ने स्क्रीन पे लगा दिया दोनों मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल 1 में अपने को गेम को स्टार्ट कर देना है, मोबाइल 2 में भी आपको आईडी लॉगिन कर देना है एंड सेम आईडी रहना चाहिए दोनों मोबाइल्स में। जैसे ही मोबाइल 1 का गेम स्टार्ट होता है एंड आप स्पॉन आइलैंड में पहुंचते हो, वैसे ही आपको मोबाइल 1 का नेट ऑफ कर देना है। जब 999 पिंग प्लस चले जाता है वैसे ही आपको मोबाइल 2 में गेम स्टार्ट कर देना है। पहले तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कि दोनों में सेम टाइम चल रहा है या फिर नहीं, कि मैं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूं। तो सबसे पहले अपन मोबाइल 1 का टाइम चेक करते हैं, तो अभी 9:46 हो रहा है, मोबाइल 2 में अभी 9:45 हो रहा है। तो यार इसी बात पे ना वीडियो को लाइक कर दो। अब आप देख सकते हो कि मोबाइल 1 का जगह में वो मोबाइल 2 में रिकनेक्ट हो रहा है एंड अभी आपको मोबाइल 1 का नेट कनेक्शन को भी ऑन कर देना है। अभी अपने मोबाइल 2 में स्पॉन आइलैंड आ चुका है एंड अभी इधर से अपन उतरने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो को कट कर दिया था एंड याद रखना गाइस, जब आप इधर उतरने वाले रहोगे ना तभी आप मोबाइल 1 में आपका जो गेम है वो बैक होगा। एंड अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे ही मोबाइल 1 में गेम बैक हुआ ना वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन सा मतलब एक तो कुछ तो चीज दिखाएगा एंड उसको आपको कैंसिल पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक नहीं करना है। रीलॉगिन करने का वो बोलता है वहाँ पे, तो आपको कैंसिल पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक नहीं करना है। एंड जैसे आप इधर कैंसिल पे क्लिक करोगे वैसे आपको स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है एंड यहाँ से आपको गेम को कर लेना है स्टार्ट। तो आप देखोगे कि इधर जो मोबाइल 2 है उसमें अपना आपका गेम चल ही रहा है एंड मोबाइल 1 में आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। एंड आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड को ऐसे आईडी आपकी दे देना है एंड आपको फोन पे ये ट्रिक को जो है करना है, तो आप दोनों लोग एक ही आईडी से एक ही टाइम पे दो गेम खेल पाओगे एक ही आईडी से। ही ग्लिच को यूज करके ज्ञान राठी एंड अदर यूट्यूबर्स बड़े-बड़े यूट्यूबर्स रैंक पुशिंग करते हैं, जिससे कि एक टाइम पे दो मैच खेले जा सकते हैं। तो अब ये अपन बात करते हैं कि इस ग्लिच को यूज करने से आईडी बैन होती है या फिर नहीं। तो इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं भैया डबल रैंक प्लस का। तो मोबाइल 2 जो है उसमें मैं इधर-उधर ऐसे ही घूम रहा था एंड मैं सोचूं कि यार मेरे बैग में बहुत फालतू का सामान है, कचरा है, उसको मैं निकाल देता हूं। एंड निकालते भैया इधर एक बंदा आ गया जिसने मेरे को मार दिया। फिर क्या था, फिर मैंने बैक कर दिया एंड मेरी रैंक जो थी वो थी सिल्वर। तो सिल्वर में मेरे को 40 की प्लस लगी 8th पोजीशन पे आने के बाद। एंड मोबाइल 1 में मेरा भाई खेल रहा था जिसने गाड़ी से टपा टप बंदों को उड़ा दिया, हैवी ड्राइवर है गाइस वो। लेकिन मोबाइल 1 में भी अपने को एक पीरो बंदे ने मार दिया एंड अपन बैक आ गए। इसमें भी अपने को बहुत ज्यादा प्लस मिला, 83 का प्लस मिला एंड यहां से अपन अभी बैक आ जाते हैं। अभी मैं आपको हिस्ट्री में जाके प्रूफ दिखा देता हूं। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अपन आ गए अभी हिस्ट्री वाले सेक्शन में। एंड आप देख सकते हो कि इधर दो मैच बता रहा है, एक में 83 का प्लस हुआ है एंड एक में 40 कुछ प्लस हुआ है। एंड ये 1 मिनट और 3 मिनट पहले है, तो भैया 2 मिनट में एक रैंक मैच होना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही है गाइस कि आप एक ही टाइम में एक ही आईडी से दो मैच खेल सकते हो। एंड इसी ग्लिच को यूज करके ज्ञान राठी वगैरह दो दो तीन तीन मैच एक ही टाइम पे खेलते हैं यार, एंड इसलिए उनका रैंक स्कोर 25,000 हो चुका है। तो अभी अपन बात करते हैं कि इस ग्लिच को यूज करने से आईडी बैन होता है या फिर नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस ग्लिच को यूज करने के बाद आपकी आईडी बैन हो भी सकती है, लेकिन अगर आप फिर भी इस ग्लिच को यूज करते हो तो ये आपके रिस्क पे है। अगर आपकी आईडी बैन हो भी जाती है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहने वाला हूं। अगर आपको एक ऐसा ग्लिच चाहिए जिसको यूज करके आप रैंक पुशिंग कर सको एंड इससे आईडी बैन भी नहीं होती है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। एंड अगर आपको सोलो रैंक पुशिंग करनी है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।